हेलो व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबका। अभी हम बेलफास्ट आए हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, तो एक और कंट्री का हमने इजाफा कर लिया फाइनली, और यह कंट्री नंबर 57। बेसिकली हम एयरपोर्ट आए थे, तो एयरपोर्ट से ये शहर बहुत दूर है, मतलब इतना दूर नहीं है, 40 मिनट लगते हैं। तो वहाँ से बस आती है, वो 8 पाउंड लेती है, तो उसमें हम आए हैं। वैसे टैक्सी में भी बंदा आ सकता है, लेकिन वो ज़रा 40 पाउंड की है। तो शहर जो है ये थोड़ा सा मतलब खूबसूरत है, छोटा है, और हम स्कॉटलैंड से आए हैं बाय ईयर। स्कॉटलैंड तो थोड़ा ओल्ड फील आती है स्कॉटलैंड के अंदर, मतलब जो एडनबर्ग शहर है उसमें ओल्ड आर्किटेक्चर है और ज़रा पुरानी लाइफ उन्होंने मेंटेन रखी हुई है, लेकिन ये शहर थोड़ा सा न्यू है। सबसे पहले तो हमारा हॉस्टल है लगान बैकपैकर्स के नाम से, बहुत अच्छा हॉस्टल है, सिर्फ 13 पाउंड का है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। लेकिन अब हम जा रहे हैं शहर को विज़िट करने, और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ जगहें हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में, और आप एंड तक इसको ज़रूर वॉच करें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इस वीडियो के अंदर है। यहाँ बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड से, बेलफास्ट में सुबह सुबह का पहला अट्रैक्शन हमारा है सेंट जॉर्ज मार्केट। ये एक ट्रेडिशनल यहाँ पे मार्केट है, और द ओनली मार्केट रिमेनिंग बेलफास्ट आयरलैंड के अंदर जो कवर्ड है, जो आपने बहुत सारे मेरी वीडियोस में दूसरे कंट्रीज में देखा है, लेकिन यहाँ पे शायद नहीं देखा यूरोप में कहीं। तो अभी आज हम आपको दिखाने वाले हैं ये वाला, इसमें फ्रूट और फिश और बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। आप इसका ज़रा आर्किटेक्चर चेक करें, ये आप देख सकते हैं हर किस्म के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए, और एक रियली ट्रेडिशनल मार्केट है। ये इतवार के दिन खुलती है? नहीं, ये रोज़ होती है, ये रोज़ होती है, लेकिन इसमें डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब अलग अलग दिन में इसमें अलग अलग मार्केट लगती है। ठीक है, आज तो संडे है, तो इसके अंदर जो है टूरिस्ट भी बहुत आए हुए हैं, और लाइव ये लोकल फूड आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए बेकरी आइटम्स हैं गिफ्ट्स के लिए, गिफ्ट्स वगैरह, ये देखे बैग्स। मार्केट बहुत बड़ी है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये देखिए आर्ट फ्रेम्स वगैरह है, फिर गारमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं इस एरिया से। यहाँ पे ये गारमेंट्स है सारे, और काफ़ी कुछ है मतलब देखने के लिए। मार्केट बहुत बड़ी है एक्चुअली, आर्ट वगैरह देखे। अभी तो हम जस्ट एंटर हुए हैं, तो हम आगे इसमें जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं, कमेंट्री भी चल रही है। और आई होप कि सिकंदर भाई को ये जगह पसंद आई होगी। यू लाइक इट? या इसको इसको एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि हम लोग स्कॉटलैंड आए थे इंग्लैंड से, तो वहाँ का जो इंग्लिश एक्सेंट था वो भी चेंज था, और यहाँ वाला तो बहुत चेंज है, ये आयरलैंड वाला। यहाँ पे लोकल फूड बन रहा है लाइव, आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बन रही है। उधर सनातर अट्रैक्शन, ये देखिए भाई जान, ज्वेलरी भी है इधर, एंड बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। इसकी हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बता दूं कि ये 110 साल पुराना है, और इस टाइम इसमें 300 से ऊपर ट्रेडर्स है जो काम करते हैं, अपने स्टॉल लगाते हैं, और ये एक बार जो है तबाह भी हुआ था दूसरी जंग अजीम में, लेकिन फिर से इन्होंने बना दिया है, और अभी उसी ज़ोर और शोर के साथ चल रहा है ये। और दरसे बेलफास्ट के अंदर सिटी साइड सीन बस भी अवेलेबल है, और मार्केट हमने विज़िट कर ली शॉर्ट अंदाज में, क्योंकि आज शाम को हमारी फ़्लाइट है वापसी की लंदन के लिए, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में
यहाँ पे जो भी अट्रैक्शन है वो सारे विज़िट कर ले, जिसमें से एक टाइटैनिक बेलफास्ट का एक्सपीरियंस होगा जो आपके साथ शेयर करेंगे। वो जहाज़ है जो यहाँ बना था बेलफास्ट के अंदर। टाइटैनिक का आपने नाम सुना होगा, 107 साल पहले तबाह हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। वो भी चीज़ यहाँ होने वाली है। बाकी यहाँ पे ये जो बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड है, इसकी एक अलग ही हिस्ट्री है भाई, जंग झगड़े और पता नहीं क्या क्या कुछ। I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Oh. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. बेलफास्ट शहर तो आपको नया नया लगेगा जब आप इसके अंदर जो है घूमेंगे, लेकिन ये है इसका टाउन हॉल जो कि ओल्ड स्टाइल में बना हुआ है। बहुत इसकी हिस्ट्री है और काफ़ी जो है पुरानी बिल्डिंग है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसके सामने बहुत सारे स्टैचूज हैं बड़े बड़े लगे हुए, लेकिन ये वाला जो स्टैचू है बिल्कुल बैकग्राउंड में, ये है क्वीन विक्टोरिया का, जो इंग्लैंड की थी, उसका भी ये स्टैचू है। अभी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ का देखते हैं टाउन हॉल बेलफास्ट सिटी का। लेकिन बहुत ह्यूज बिल्डिंग है और ह्यूज एरिया है, साथ में गार्डन वगैरह। Some gates never get to open 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna find me, find me, find me. सबसे बेस्ट बात इस टाउन हॉल की ये है कि पब्लिक के लिए इसके बहुत हिस्से ओपन है, जहाँ पे आप सिटी का पूरा हिस्ट्री देख सकते हैं और क्या क्या कुछ हुआ है वो सारा। इसके अंदर एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट भी है जिसमें आप कॉफ़ी वगैरह और कुछ भी पी पा सकते हैं। ये भी सारा बहुत इंस्पायरिंग ये जगह है जो मैंने अभी विज़िट की है। ये जो टाउन हॉल है इधर बेलफास्ट का,
Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. بیلفاسٹ کی سٹی کی ہسٹری اگر جاننی ہو نا تو سب سے بیسٹ ایکسپیرینس یہ ہے کہ بلیک ٹیکسی ٹور ہوتا ہے یہاں پہ تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ, اور اس میں آپ کو پورا بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ جنگ کیسے ہوئی, کیوں ہوتی رہی, پولیٹیکل ہسٹری کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اب ہم کرنے والے ہیں, اور تقریباً 35 pounds میں ڈیڑھ گھنٹے کا ٹرپ ہوتا ہے, اس میں سارا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کی پولیٹیکل سچویشن اور جنگ کی سچویشن کس وجہ سے ہوئی اور کیوں ہے. Still got areas where there's still a bit of a difference. So you have a British identity and an Irish identity. Mm-hmm. So this part of Ireland up in the north here is still under British rule. Mm-hmm. So it's called Northern Ireland. Northern Ireland. But half the population don't identify with being British. Mm-hmm. They identify with being Irish. Mm-hmm. Where you're in Ireland. It's politics. You know. So you've got you had Ireland partition back in the 1920s. A bit like India and Pakistan, but Britain, where India pulled out and partitioned it. Mm-hmm. And you have Pakistan, you've got India. Yeah, Kashmir. And the Punjab, that's a different part of India. Yeah, 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 one in India and one in Pakistan. And so one part was that, and one side and the other side. It was partitioned, so we've done that in Ireland as well. Mm-hmm. It's all British Empire. Causes problems, and this is where you have conflict, and this is where you have the thing. They had the you heard of the IRA? Yeah, they were the Irish Republic. They were fighting the British Army. Mm-hmm. Then you have loyalists who wanted to remain under British rule, and they would identify with being, so Protestant, Catholic. So most Protestants identify with being British, and most Catholics identify with being Irish. So you have this. So you've got areas with Belfast, you've got Catholic areas and Protestant areas. Most people aren't that religious, and if you take into account that they're both Christian. So the conflict is not about religion. Well, in look. William defeated King James. Mm-hmm. The Battle of the Void, 1690. So you have a big celebration, mm-hmm, every 12th of January. Unionists and loyalists are celebrating the Battle of the Boyne, 1690. The flags you can see, they're all the way up. And these flags will be removed right about the end of August when the marching ends. The marching season ends about the end of August. They'll remove the flag. Mm-hmm. بلیک ٹیکسی ٹور میں اب ہم یہ پیس وال کے پاس آئے ہیں. بہت لمبی وال ہے, اور یہ دو جو یہاں پہ ایریاز ہیں ناردرن بیلفاسٹ کے اندر جو دو ایریاز ہیں اس کو یہ ڈیوائڈ کرتا ہے. اس سائڈ پہ کیتھلک ایریاز ہے اور اس سائڈ پہ لائلسٹ ایریاز ہے جو یہاں کے پروٹیسٹنٹس. تو ابھی ہمارا ٹرپ چل رہا ہے, بہت انفارمیشن دی ہے شان بھائی نے, ہمارا گائیڈ کا نام ہے شان بھائی, بہت نائس بندے ہیں, لیکن اس کی انگلش جو ہے سر سمجھ نہیں آتی صحیح طریقے سے, کیونکہ انگلش یہاں آئرلینڈ کی نا تھوڑی ڈفرینٹ ہے. تو 100 میں سے کوئی 20-25% ہم پک کر رہے ہیں, لیکن اینڈ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں یہ پورا جو سسٹم ہے یہاں کا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. These things are put on the wall to make a point. The blanket protest which led to the hunger strike. There he is. That was done a couple of weeks ago. You can see Trump
Theresa May, the Saudi Prince, what's happening in Yemen. Yeah. It's about the arms trade. It's in some people's favour to have conflict and have war. Supply weapons, multi-million pound industry. Mm-hmm. And that's why some countries are interested in war, especially America. Mm-hmm. Big arms supplier, so is Britain. Mm-hmm. And these are the 10 hunger strikers who died in 1981, from Bobby Sands to Michael Devine. And you have the Palestinian issue again, with how the Israelis treat the... Go on. That's a lot. That'll bring you to Scotland.